देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगण और मेरे युवा साथियों, आज जितने लोग ये भारत मंडपम में हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं सभी का G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सब नौजवानों का अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज से 2 सप्ताह पूर्व इसी भारत मंडपम में गजब की हलचल थी। ये भारत मंडपम बिल्कुल हैपनिंग प्लेस बना हुआ था। और मुझे खुशी है कि आज उसी भारत मंडपम में मेरा भावी भारत मौजूद है। G20 के आयोजन की और उसको भारत ने जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, ये देखकर दुनिया वाकई बहुत चकित है। लेकिन जानते हैं, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं, बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं। शायद आपके मन में होता होगा, इतना बड़ा हो गया, आपको कुछ नहीं हुआ, क्या कारण है? जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस कार्यक्रम को सफल बनाने का बीड़ा आप जैसे यूथ स्टूडेंट्स उठा लेते हैं, यंग स्टूडेंट उठा लेते हैं, यूथ जुड़ जाता है, तो फिर उसका सफल होना तय हो जाता है। आप यंगस्टर्स की वजह से पूरा भारत ही एक हैपनिंग प्लेस बन गया है। और ये कितना हैपनिंग है, ये हम पिछले 30 दिनों को ही देखें तो साफ साफ नजर आता है। और जब मैं 30 दिन की बात करता हूं ना, आप भी साथ साथ जरा अपने 30 दिन को जरा जोड़ते चलना, बीते हुए 30 दिन, आपकी यूनिवर्सिटी के 30 दिन भी याद कर लेना, और दोस्त में और भी लोगों के पराक्रम 30 दिन में हुए वो भी याद कर लेना। मैं आपको, क्योंकि मेरे नौजवान साथियों आपके सामने मैं आज आया हूं, तो मैं भी अपना रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहा हूं। मैं आपको पिछले 30 दिन का एक रिकैप देना चाहता हूं, उससे आपको नए भारत की स्पीड और नए भारत का स्केल दोनों का पता चलेगा। साथियों, आप सबको याद होगा 23 अगस्त का वो दिन जब हार्टबीट गले तक आ रही थी,
भूल गए? हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि भाई साहब ठीक रहे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कर रहे थे ना? और फिर अचानक हर किसी का चेहरा खिल उठा। पूरी दुनिया ने भारत की आवाज सुनी, इंडिया इज ऑन द मून। तेईस अगस्त की वो तारीख हमारे देश में नेशनल स्पेस डे के रूप में अमर हो गई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इधर मून मिशन सफल हुआ, उधर भारत ने अपना सोलर मिशन लॉन्च कर दिया। अपना चंद्रयान अगर 3 लाख किलोमीटर गया तो ये 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा। आप मुझे बताइए, भारत की रेंज का कोई मुकाबला है क्या? फ्रेंड्स, पिछले 30 दिनों में भारत की डिप्लोमेसी एक नई ऊंचाई पर पहुंची है। G20 से पहले दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुई। भारत के प्रयास से ब्रिक्स कम्युनिटी में 6 नए देश शामिल हुए हैं। साउथ अफ्रीका के बाद मैं ग्रीस गया था। ये 40 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। और जितने भी अच्छे काम है ना, वो करने के लिए आपने मुझे ही बिठाया है। G20 समिट से ठीक पहले मेरी इंडोनेशिया में भी अनेक वर्ल्ड लीडर से मीटिंग हुई। इसके बाद G20 में इसी भारत मंडप में दुनिया के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए। आज के पोलराइज्ड इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर में इतने सारे देशों को एक साथ एक मंच पर लाना छोटा काम नहीं है दोस्तों। आप एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करो ना, तो भी तय नहीं कर पाते हो कहां जाए। हमारे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर 100% सहमति तो इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है। इस दौरान भारत ने अनेक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स और फैसलों को लीड किया। G20 में कुछ फैसले ऐसे हुए जो 21वीं सदी की पूरी डायरेक्शन ही चेंज करने की क्षमता रखते हैं। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य के रूप में उसको स्थान मिला। ग्लोबल बायोफ्यूअल्स अलायंस का नेतृत्व भी भारत ने किया। G20 समिट में ही हम सभी ने मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने का भी फैसला लिया है। ये कॉरिडोर कई महाद्वीपों को आपस में जोड़ेगा। इससे आने वाली कई शताब्दियों तक व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। साथियों,
G20 समिट समाप्त हुई तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की स्टेट विजिट दिल्ली में शुरू हुई। सऊदी अरब भारत में 100 बिलियन डॉलर का निवेश करने जा रहा है। और मैं जो कथा सुना रहा हूं ना, ये 30 दिन की बता रहा हूं, फिर ऐसा नहीं आ रहे तो इतना सारा बीते 30 दिनों में ही भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में मेरी कुल 85 वर्ल्ड लीडर से मीटिंग हुई है। और ये करीब करीब आधी दुनिया है। आप सोच रहे होंगे कि इससे आपको क्या फायदा होगा, होता है ना, जब भारत के रिश्ते दूसरे देशों से अच्छे होते हैं, जब नए नए देश भारत के साथ जुड़ते हैं तो भारत के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, हमें नया साथी मिलता है, नया मार्केट मिलता है, और इन सब का फायदा मेरे देश की युवा पीढ़ी को होता है। साथियों, आप सब सोच रहे होंगे कि पिछले 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड देते हुए मैं सिर्फ स्पेस साइंस और ग्लोबल रिलेशंस की बात करना रहूंगा क्या, यही काम किया कि मैंने 30 दिन में? ऐसा नहीं है। पिछले 30 दिनों में एससी एसटी ओबीसी के लिए, गरीबों और मिडिल क्लास के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए भी कई कदम उठाए गए। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई। ये योजना हमारे शिल्पकारों, कुशल कारीगरों, पारंपरिक काम से जुड़े साथियों के लिए है। रोजगार मेला लगाकर बीते 30 दिन में 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को केंद्र सरकार में गवर्नमेंट जॉब दी गई है। जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है 6 लाख से ज्यादा युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इन्हीं 30 दिनों में आपने देश के नए संसद भवन में पहले संसद सत्र को भी देखा है। देश के नए संसद भवन में पहला विधेयक पास हुआ जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा विमेन लेड डेवलपमेंट के महत्व को सहर्ष स्वीकार किया। साथियों, बीते 30 दिनों में ही देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार के लिए एक और बड़ा निर्णय हुआ। हमारी सरकार ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को एम्पावर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना को स्वीकृति दी है। कुछ दिनों पहले द्वारका में अशोक भूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को हमने राष्ट्र को समर्पित किया है। युवाओं को स्पोर्ट्स में अधिक अवसर मिले इसके लिए मैंने वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया। 2 दिन पहले मैंने 9 वंदे भारत ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाई। 1 दिन में 1 साथ इतनी आधुनिक ट्रेनें शुरू होना भी
हमारी स्पीड और स्केल का प्रमाण है। पेट्रोकल केमिकल सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम इन तीन दिनों में हमने उठाया है। मध्य प्रदेश में स्थित एक रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया है। मध्य प्रदेश में ही रिन्यूएबल एनर्जी आईटी पार्क, एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों पर काम शुरू हुआ है। ये जितने भी काम मैंने गिनाए हैं, इनका सीधा संबंध युवाओं की स्किल से है, युवाओं के लिए जॉब क्रिएशन से है। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि पूरा समय इसी में बीत जाएगा। ये 30 दिन का मेरा हिसाब मैं दे रहा था आपको, अब आपने अपना हिसाब लगाया क्या? आप ज्यादा से ज्यादा कहेंगे 2 मूवी देखी। मेरे नौजवान साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश कितनी तेज गति से चल रहा है, कितने अलग अलग पहलुओं पर काम कर रहा है, वे मेरे देश के नौजवानों को पता होना चाहिए। साथियों, युवा वहीं पर आगे बढ़ते हैं जहां ऑप्टिमिज्म, अपॉर्चुनिटीज और ओपननेस होती है। जिस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें आपके उड़ने के लिए पूरा आसमान खुला है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा, बड़ा सोचे, थिंक बिग। ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसे हासिल करने में देश आपका साथ नहीं देगा। आप किसी भी अवसर को मामूली ना समझें, बल्कि उस अवसर को एक नया बेंचमार्क बनाने के बारे में सोचें। हमने G20 को भी इसी अप्रोच से इतना भव्य और इतना विराट बनाया। हम भी G20 प्रेसिडेंसी को सिर्फ डिप्लोमेटिक और दिल्ली सेंट्रिक अफेयर बना सकते थे, लेकिन भारत ने इसे पीपल ड्रीवन नेशनल मूवमेंट बना दिया। भारत की डायवर्सिटी, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी की ताकत ने G20 को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। G20 की 200 से ज्यादा बैठकें हुई, 60 शहरों में इनका आयोजन हुआ। G20 की गतिविधियों में 1.5 करोड़ से ज्यादा नागरिकों ने अपना योगदान दिया। Tier 2 और Tier 3 शहरों ने भी, जहां पहले किसी इंटरनेशनल इवेंट का आयोजन नहीं हुआ था, उन्होंने भी शानदार ताकत दिखा दी। और मैं आज इस कार्यक्रम में G20 के लिए अपने यूथ की विशेष तौर पर सराहना करूंगा। 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी और 1 लाख विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम के जरिए G20 में भागीदारी की। सरकार ने G20 को स्कूल्स, हायर एजुकेशन और अनेक इंस्टीट्यूशंस और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में 5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाया। हमारे लोगों ने बड़ा सोचा, लेकिन जो डिलीवर किया
वो उससे भी ज्यादा भव्य रहा है। साथियों, आज भारत अपने अमृतकाल में है। ये अमृतकाल आप जैसी अमृत पीढ़ी का ही काल है। 2047 में हम देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे। वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। 2047 तक का कालखंड वही समय है जिसमें आप युवा भी अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। यानी अगले 25 साल जितने आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण है, उतने ही देश के जीवन में महत्वपूर्ण है। इसलिए एक ऐसा समय है जिसमें देश के विकास के कई फैक्टर्स एक साथ जुड़ गए हैं। इस तरह का समय न इतिहास में पहले कभी आया, न भविष्य में आने का अवसर मिलेगा। यानी न भूतो न भविष्यति। आज हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, पता है ना? नहीं मालूम? मालूम है? रिकॉर्ड कम समय में हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आज भारत पर दुनिया का भरोसा बुलंद है। भारत में निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आज भारत का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर नई ऊंचाइयां छू रहा है। हमारा निर्यात एक्सपोर्ट नए रिकॉर्ड बना रहा है। सिर्फ 5 वर्षों में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यही भारत का नियो मिडिल क्लास बन गया है। देश में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से विकास में अभूतपूर्व तेजी आ गई है। इस साल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ का निवेश किया जा रहा है और इस तरह का निवेश साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि इसका कितना बड़ा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और कितने नए अवसर तैयार होंगे। साथियों, आप जैसे युवाओं के लिए ये अवसरों का दौर है। साल 2020 के बाद करीब 5 करोड़ साथी ईपीएफओ पेरोल से जुड़े हैं। इनमें से लगभग 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं। पहली फॉर्मल जॉब उन्हें मिली है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे युवाओं के लिए फॉर्मल जॉब्स के मौके भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। 2014 से पहले हमारे देश में 100 से भी कम स्टार्टअप थे। कितने कितने? मैं इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि क्लास में हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं ना। कितने स्टार्टअप
2014 के पहले कितने? आज इनकी संख्या 1 लाख को भी पार कर गई है। स्टार्टअप की इस लहर ने कितने ही लोगों को रोजगार के मौके दिए हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। हम मोबाइल फोन्स के इंपोर्टर से आज एक्सपोर्टर बन गए हैं। इसके कारण भी बड़ी संख्या में नौकरियों के अवसर बने हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी बीते कुछ वर्षों में बड़ा विकास हुआ है। 2014 की तुलना में डिफेंस एक्सपोर्ट करीब 23 गुना बढ़ा है। जब इतना बड़ा परिवर्तन होता है तो डिफेंस इकोसिस्टम की पूरी सप्लाई चेन में भी बड़ी संख्या में नई नौकरियों के अवसर बनते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे कई युवा साथी जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं। सरकार की मुद्रा योजना के जरिए देश के छोटे व्यापारियों को आर्थिक मदद मिलती है। आज 8 करोड़ लोगों ने, 8 करोड़, आप कल्पना कीजिए, आंकड़ा बहुत बड़ा है ये, 8 करोड़ लोगों ने फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, जिनके परिवार में कभी एंटरप्रेन्योर के नाते कोई नहीं था, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर के तौर पर अपना कोई बिजनेस शुरू किया है, कोई कारोबार शुरू किया है, अपना काम शुरू किया है। पिछले 9 वर्षों में 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले गए हैं। इनमें से हर एक में 2 से 5 लोगों को नौकरी मिली है। साथियों, ये सब भारत में आई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिसी क्लैरिटी और हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज की वजह से हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के ईमानदार प्रयास हुए हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी वो होंगे जो 2014 में, आज से 10 साल पहले उनकी उम्र क्या होगी, कोई 10, कोई 12, कोई 14, तो उस समय उनको पता ही नहीं होगा कि हेडलाइन अखबार में क्या आती थी, कैसे भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद करके रखा था। साथियों, आज मैं बड़ा गर्व से कह सकता हूं, बिचौलियों और लीकेज को रोकने के लिए नए टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम हमने बनाए हैं। कई तरह के रिफॉर्म्स लाकर और दलालों को सिस्टम से बाहर कर एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। बेईमानों को सजा और ईमानदारी को सम्मान दिया जा रहा है। मैं हैरान हूं आजकल मुझ पर एक आरोप क्या है कि मोदी लोगों को जेल में डालता है। अब मुझे बताइए भाई, देश का माल चोरी किया है तो कहां रहेंगे? कहां रहना चाहिए? ढूंढ ढूंढ करके भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जो काम आप चाहते हैं वही मैं कर रहा हूं ना। कुछ लोग बड़े परेशान हैं। साथियों, विकास की यात्रा को जारी रखने के लिए क्लीन, क्लियर और स्टेबल गवर्नेंस बहुत जरूरी है। अगर आपने निश्चय कर लिया तो 2047 तक
भारत को एक विकसित, समावेशी और आत्मनिर्भर देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, एक और बात भी हमें ध्यान रखनी होगी। सिर्फ भारत ही आपसे बेहतर करने की अपेक्षा नहीं कर रहा है, पूरी दुनिया आपको उम्मीद की नजर से देख रही है। दुनिया को भारत का और भारत के युवाओं का पोटेंशियल और परफॉर्मेंस दोनों का पता चल चुका है। अब उनको समझाना नहीं पड़ता, इंडिया का बेटा है तो क्या होगा, इंडिया की बेटी है तो क्या होगा, वो समझ जाता है भाई, ये तो मान लो। दुनिया की प्रगति के लिए भारत की प्रगति और भारत के युवाओं की प्रगति बहुत आवश्यक है। मैं निश्चिंत होकर देश को असंभव लगने वाली गारंटियां दे पाता हूं, तो उसकी वजह से आप देशवासियों का उसके पीछे जो ताकत है ना, वो आप मेरे साथियों का सामर्थ्य है। मैं उन गारंटियों को पूरा कर पाता हूं तो उसके पीछे भी आप जैसे युवाओं का सामर्थ्य होता है। मैं दुनिया के मंचों पर जोरदार तरीके से भारत की बात रख पाता हूं तो उसकी प्रेरणा भी मेरी युवा शक्ति है। इसलिए भारत का युवा मेरी असली ताकत है, मेरा पूरा सामर्थ्य उसी में है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी अपेक्षाएं हैं। मैं आज आपसे भी कुछ मांगना चाहता हूं, बुरा नहीं लगेगा ना? आपको लगेगा ये कैसा प्रधानमंत्री है, हम नौजवानों से मांग रहा है। साथियों, मैं आपसे ये नहीं मांग रहा हूं कि आप मुझे चुनाव जिता देना। साथियों, मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि मेरी पार्टी में आप शामिल हो जाइए। साथियों, मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं है, जो है वो देश का है, देश के लिए है। और इसलिए मैं आज आपसे कुछ मांग रहा हूं, देश के लिए मांग रहा हूं। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में आप युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन स्वच्छाग्रह एक दो दिन का इवेंट नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है, इसे हमें आदत बनाना पड़ रहा है। और इसलिए 2 अक्टूबर को पूज्य बापू की जन्म जयंती से ठीक पहले 1 अक्टूबर को स्वच्छता से जुड़ा बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में होने वाला है। आप सभी युवा साथियों को इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए मैं आपसे मांग कर रहा हूं। करेंगे पूरा, पक्का करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी भी लगेगी, आप कोई एरिया तय करके पूरी तरह क्लीन करके रहेंगे।
मेरा दूसरा आग्रह है, डिजिटल लेन देन को लेकर है, यूपीआई से जुड़ा है। आज पूरी दुनिया डिजिटल भारत की, यूपीआई की इतनी प्रशंसा कर रही है, ये गौरव भी आपका है। आप सभी युवा साथियों ने इसको तेजी से अपनाया भी और फिनटेक में उससे जुड़े अद्भुत इनोवेशन भी किए। अब इसके विस्तार की, इसको नई दिशा देने का दायित्व भी मेरे नौजवानों को ही उठाना होगा। क्या आप तय करेंगे कि मैं कम से कम एक सप्ताह में 7 लोगों को यूपीआई ऑपरेट करना सिखाऊंगा, यूपीआई से काम करना सिखाऊंगा, डिजिटल लेन देन सिखाऊंगा, करेंगे? देखिए, देखते ही देखते बदलाव शुरू हो जाता है दोस्तों। साथियों, मेरा आपसे तीसरा एक आग्रह और मेरी मांग है, वोकल फॉर लोकल को लेकर है। साथियों, इसको आप ही आगे बढ़ा सकते हैं। अगर एक बार आपने इसको हाथ में ले लिया ना, दुनिया फिर रुकने वाली नहीं है, मान लीजिए दोस्तों। क्योंकि मेरा आपकी ताकत पर भरोसा है। आपको अपनी ताकत पर भरोसा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मुझे है। देखिए, ये समय त्योहारों का है। आप प्रयास करें कि त्योहारों में गिफ्ट देने के लिए जो भी आप खरीदारी करें वो मेड इन इंडिया हो। अपने जीवन में भी आग्रह करें दोस्तों, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करें, उन्हीं प्रोडक्ट को उपयोग करें जिसमें भारत की मिट्टी की खुशबू हो, जिसमें भारत के श्रमिकों के पसीने की महक हो। और वोकल फॉर लोकल का यह अभियान सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मैं एक काम बताता हूं, आप करेंगे? होमवर्क के बिना तो क्लास होता ही नहीं है। करेंगे? कुछ लोग तो बोलते ही नहीं है। आप अपने परिवार के सब लोगों के साथ मिलकर के कागज पेन लेकर के, या तो फिर मोबाइल पर लिखते हो तो मोबाइल पे सूची बनाइए कि आपके घर में जिन चीजों का आप उपयोग करते हैं, 24 घंटे में जिन जिन चीजों का आप उपयोग करते हैं, उसमें कितनी हमारे देश की है और कितनी बाहर की है। बनाएंगे सूची? आपको पता भी नहीं होगा कि आपके जेब में जो कंघा है ना, कंघी, वो भी कभी विदेशी आ गई होगी, पता नहीं होगा। ऐसी ऐसी चीजें विदेशी हमारे घर में, हमारे जीवन में घुस गई हैं, देश को बचाने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। हां, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे देश में जैसी चाहिए वैसी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम आग्रह से देखें कि भाई जरा तलाशे तो, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। एक बार मेरे देश में बनी हुई चीजें मैं खरीदना शुरू करूंगा ना, तो आप देखना दोस्तों, हम इतनी तेजी से हमारा उद्योग व्यापार बढ़ेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। छोटा छोटा काम भी बड़े बड़े सपने पूरे करता है। साथियों, हमारे कैंपस भी वोकल फॉर लोकल के बहुत बड़े सेंटर हो सकते हैं। हमारे कैंपस सिर्फ पढ़ाई के नहीं बल्कि फैशन के भी सेंटर होते हैं। क्यों, अच्छा नहीं लगा? कोई डे बनाते होते तभी होता है क्या? हैं, आज रोज डे है।
क्या हम खादी को, भारतीय फैब्रिक को कैंपस का फैशन स्टेटमेंट नहीं बना सकते? आप सभी युवाओं में ये ताकत है, आप मार्केट को, ब्रांड्स को, डिजाइनर्स को अपनी तरफ मोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में अनेक कल्चरल फेस्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज होती है, उसमें हम खादी से जुड़े फैशन शो करा सकते हैं। हम अपने विश्वकर्मा साथियों, हमारे आदिवासी साथियों के शिल्प को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, भारत को विकसित बनाने का रास्ता है। इसी रास्ते पर चलते हुए हम बड़ी संख्या में रोजगार निर्मित कर सकते हैं। और आप देखिए, ये जो तीन छोटी छोटी बातें मैंने बताई है, आपके सामने जो मैंने कुछ मांग रखी है, आप एक बार देख लेना आपको कितना फायदा होता है, देश को कितना फायदा होता है, किसको कितना फायदा होगा, जरूर देखिए। मेरे नौजवान साथियों, अगर हमारा यूथ, हमारी नई जनरेशन एक बार ठान लेना, तो इच्छित परिणाम मिल ही जाता है। मुझे विश्वास है कि भारत मंडपम से आप आज जाएंगे, ये संकल्प लेकर के जाएंगे, और संकल्प लेकर अपने इन सामर्थ्य को भी जरूर प्रकट करके रहिएगा। साथियों, हम पल भर के लिए सोचिए, हम वो लोग हैं जिन्हें देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला है। जो सौभाग्य भगत सिंह को मिला, सुखदेव को मिला, चंद्रशेखर को मिला, आजाद को मिला, हमें नहीं मिला। लेकिन भारत के लिए जीने का मौका हमें मिला है। आज से 100 साल पहले की तरफ नजर करिए। 1920, 22, 23, 25, 30 का कल्पना कीजिए आप। उस समय का जो नौजवान था, उसने ठान लिया था कि मैं देश को आजाद कराने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं मैं करूंगा, जो मार्ग मिलेगा मैं करूंगा। और उस समय के नौजवान चल पड़े थे, किताबें अलमारी में रख दी थी, जेलों में जाना पसंद किया था, फांसी के तख्त पर चढ़ना पसंद किया था, जो राह मिली उस राह पर चल दिए थे। 100 साल पहले जो पराक्रम की पराकाष्ठा हुई, त्याग और तपस्या का माहौल बना, मातृभूमि के लिए जीने मरने का इरादा मजबूत हुआ, देखते ही देखते 25 साल में देश आजाद हो गया। हुआ कि नहीं दोस्तों? उनके पुरुषार्थ हुआ कि नहीं हुआ? अगर उस 25 साल के राष्ट्रव्यापी जो सामर्थ्य पैदा हुआ, उसने 1947 में देश को स्वराज्य दिया। साथियों, मेरे साथ चल पड़ो, आओ, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। 25 साल हमारे सामने है। 100 साल पहले जो हुआ था, हम एक बार वो स्वराज्य के लिए चले थे, हम समृद्धि के लिए चल पड़े। 25 साल में इस देश को समृद्ध बना करके रहेंगे, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। आत्मनिर्भर भारत समृद्धि के द्वार खोलता है दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत स्वाभिमान को नई ऊंचाई पर पहुंचाता है। उस संकल्प को लेकर के चलिए,
आइए हम मिलकर के एक समृद्ध भारत का संकल्प पूरा करें। 2047 में हम डेवलप कंट्री होने चाहिए। और तब आप अपनी जीवन की सबसे ऊंचे पायदान पर होंगे। 25 साल के बाद आप जहां भी होंगे अपने जीवन के सबसे ऊंचे पायदान पर होंगे। आप कल्पना करो दोस्तों, मैं जो आज मेहनत कर रहा हूं ना, और कल मैं आपको लेकर के मेहनत करने वाला हूं, वो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। आपके सपने साकार होने में कोई रोक नहीं कर सकता है दोस्तों। और मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, भारत को दुनिया की 3 टॉप इकोनॉमी में मैं ला करके रखूंगा। और इसीलिए मैं आपका साथ चाहता हूं, आपका सहयोग चाहता हूं, मां भारती के लिए चाहता हूं, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए चाहता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। पूरी ताकत से बोलिए दोस्तों, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।